जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CRPF NCM की वैकेंसी के बारे में कि कब ये वैकेंसी आ रही है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया, पूरा का पूरा आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कब ये वैकेंसी आ रही है। जितने भी बच्चे वेट कर रहे हैं उन सभी के लिए जो अभी की अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है इस वैकेंसी के बारे में कि कब ये वैकेंसी होने वाली है, कब तक इसकी कितनी पोस्ट की वैकेंसी है। आप सभी को पता, पोस्ट की तो आप सभी को पता होगी, 875 पोस्ट की वैकेंसी थी लेकिन अब बढ़ गई है, 232 पोस्ट के आसपास इसमें वैकेंसी बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी किसकी क्या अपडेट है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, कब तक ये वैकेंसी होगी, कब तक इसके ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे, CRPF की तरफ से क्या अपडेट है उसके बारे में कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि CRPF की तरफ से इस वैकेंसी के लिए क्या अपडेट है। दोस्तों, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। साथ में इसका पहले क्राइटेरिया भी बता देता हूँ, उसके बाद में आपको अपडेट है वो देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इसका जो क्राइटेरिया उसको बताने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों कि अगर आप SSC GD की तैयारी करिए तो करते रहिए, क्योंकि SSC GD और इसका सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी आपके सामने मैं बताने वाला हूँ क्राइटेरिया, तो आप SSC GD पे भी फोकस करिए और साथ में इसकी भी तैयारी करिए। जो बच्चे हाइट की वजह से अगर एलिजिबल है तो वो ज़रूर तैयारी करिए। साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आप SSC GD की तैयारी करें तो SSC GD के लिए गाइड बुक है, ऑल इन वन बुक। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर एक ही बुक बता दीजिए हम, ताकि हम सभी की तैयारी कर लें सभी सब्जेक्ट की। तो दोस्तों, ये ऑल इन वन बुक है, इसमें आपको मैथ भी मिल जाएगी, रीजनिंग भी मिल जाएगी, GK और हिंदी, मतलब चारों के चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एग्जाम कार्ड की ये कॉन्स्टेबल की गाइड बुक है SSC GD के लिए, और बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इसको पूरा रिव्यू किया है। और भी बहुत सारे प्रकाशन के आते हैं लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छी बुक लगी, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया और आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा है, काफ़ी देखा है, इसमें बहुत ही अच्छा मैटर दिया हुआ है SSC GD के हिसाब से। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रहा हूँ, आप अमेजन से परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद ने पूरी बुक को देखा है, बहुत ही अच्छा लेवल दिया हुआ है इसमें SSC GD के बच्चों के लिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। अब बात करें SSC GD का फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में, पूरा क्राइटेरिया के बारे में दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ एज से। सबसे पहले आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए CRPF NCM के लिए, आपकी होनी चाहिए 12th क्लास पास। 12th क्लास में कितने भी परसेंटेज हो ये कहीं मायने नहीं रखता, चाहे आपके 40 हो, 45 हो, 50 हो, लेकिन ग्रेस लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ये मायने रखता है। आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। OBC वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है दोस्तों इसके एग्ज़ाम में। अब एक खास, सबसे खास बात क्या है इसमें कि सबसे पहले इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, सबसे पहले इसमें जो प्रक्रिया होती है वो है फिजिकल, और फिजिकल में इसमें कुछ नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके फिजिकल में कुछ नहीं होता, यानी आपकी अगर रनिंग अच्छी नहीं है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है फिजिकल टेस्ट। उसमें क्या होता है, इसमें केवल आपका हाइट, वेट और चेस्ट होता है, ठीक है। मिनिमम आपका चेस्ट 74 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम आपका वेट 40 kg होना चाहिए। हाइट आप में इसमें काफ़ी अच्छी छूट मिल जाती है हाइट में। तो दोस्तों, हाइट को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के कि सर हाइट बहुत कम, हाइट इसमें 165 cm होनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 cm। इसके अलावा ST कैटेगरी को हाइट में और भी छूट दी गई, मतलब 162 के आसपास, 157, और लड़कियों की भी हाइट में छूट दी गई, तो यानी हाइट भी इसकी ज़्यादा नहीं चाहिए। चेस्ट आपका मैंने बता दिया कम से कम 74 होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 74 चेस्ट होना चाहिए, वेट आपका कम से कम 40 kg होना चाहिए। उसके अलावा इसका ये फिजिकल क्राइटेरिया, इसके बाद में आपका होता है रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम में क्या होता है, रिटर्न एग्ज़ाम में इसका 225 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। अब SSC GD का सेम सिलेबस है, फर्स्ट मैथ 50 नंबर का, रीजनिंग 50 नंबर का, हिंदी और इंग्लिश में से 50 नंबर, और GK GS 50 नंबर। अब इसमें जो अलग से होते हैं 25 नंबर, उसके लिए आपको पैराग्राफ दिया जाता है, एक पैराग्राफ और एक लेटर आपको लिखना पड़ता है इन राइटिंग, यानी एक पैराग्राफ लिखना है और एक लेटर लिखना है, उसमें से एक 10 नंबर का होता है, लेटर 15 नंबर का होता है। तो ये इसके ऐड किया हुआ है रिटर्न में, मतलब आपको लिख के भी देना पड़ेगा, एक तो पैराग्राफ और एक लेटर। तो ये इसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में मतलब आप समझ में हो गए, इन 225 के नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें SSC GD का सेम सिलेबस है, केवल ऐड किया गया वो क्या है, एग्ज़ाम और जो लिखना है पैसेज और लेटर, ये एक चीज़ प्लस ऐड की गई है इसमें, ये 25 नंबर का होता है दोस्तों। जो भी इसकी CRPF NCM की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूँ। एग्ज़ाम के बाद में आपका होता है टाइपिंग। टाइपिंग के लिए मैं बता दूं आपको दोस्तों, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, दिन में आप 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी कर रहे हो अभी से कोशिश करना, क्योंकि इसका जब एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम के बाद में आपको टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में टाइपिंग, इसका सबसे ज़्यादा जो रीज़न है मेरिट लो रहने का, यानी मेरिट बहुत कम रहती है। उसका रीज़न क्या है,
उसका रीज़न यही है कि इसके टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। टाइपिंग की स्पीड इंग्लिश के लिए आपको 35 वर्ड प्रति मिनट चाहिए, हिंदी के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट, और कम से कम 90 प्लस आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी एक्यूरेसी भी गलत हुई तो भी आप पास नहीं होंगे, आपकी स्पीड इससे कम हुई तो भी आप पास नहीं होंगे। तो अगर इसी यही सबसे बड़ा रीज़न है CRPP SCM की, अगर आपकी पेपर की तैयारी अगर थोड़ी बहुत 19-20 भी है लेकिन अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप CRPP SCM में आराम से सेलेक्ट हो सकते हो दोस्तों। तो इसके मतलब पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, यानी बहुत ही इजी क्राइटेरिया, कोई हार्ड क्राइटेरिया नहीं है। जितने भी बच्चे CRPP SCM की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं उनको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन रहते हैं कि सर CRPP SCM की वैकेंसी अप्रैल महीने में आने वाली थी, अप्रैल महीना लगभग 15 अप्रैल हो गया, यानी आधा महीना अप्रैल का ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक CRPF की और से कोई भी इसके बारे में अपडेट नहीं है। तो दोस्तों सभी इंतजार कर रहे हैं, आपने बहुत सारे बच्चे CRPP SCM के, लेकिन SSC GD की वैकेंसी आप सभी को बता डिले हो गई, और अभी जो CRPP SCM की जो वैकेंसी डिले हो रही है उसका रीज़न है कोरोना, कोविड की वजह से ये वैकेंसी डिले हो रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट रिस्क नहीं लेना चाहता एग्ज़ाम फिलअप कराने का। SSC GD का जो एग्ज़ाम होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है, क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर पर कराता है और वो फुल परमिशन के साथ में, फुल इंस्ट्रक्शन के साथ में एग्ज़ाम कराने में सक्सेस भी होता है। तो उनके पास में क्या है, एक अलग से टीम होती है, उनका फिक्स एक क्राइटेरिया एग्ज़ाम कराने के लिए। लेकिन जो SCM की जो वैकेंसी होती है CRPP SCM की, या CISF SCM की, या BSF SCM की, या जो भी डिपार्टमेंट ट्रेडमैन की जो वैकेंसी होती है, इनका पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया होता है डिपार्टमेंट को अपने आप से करना पड़ता है, यानी डिपार्टमेंट खुद ये पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया करता है, एग्ज़ाम से लेके फिजिकल, रिटर्न, आपका मेडिकल, टोटल का टोटल जो प्रक्रिया होती है वो कौन करता है, डिपार्टमेंट करता है। और हाँ, एग्ज़ाम के बाद में टाइपिंग टेस्ट के बाद में आपका होता है मेडिकल, फिर मेडिकल में भी आपको पास होना रहता है, मेडिकल भी इसका काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन SSC GD बिल्कुल बराबर होता है, यानी आर्मी से इजी मेडिकल होता है। तो मेडिकल के लिए भी आपको ज़्यादा चिंतित तो नहीं होना है, मेडिकल में आप पास हो जाओगे, क्योंकि इसका मेडिकल जो होता है उसमें SSC GD से भी कुछ छुट्टी दी जाती है, तो यानी मेडिकल तो आप पास हो जाओगे। लेकिन रीज़न है कोविड-19, कोविड-19 की वजह से कोई भी डिपार्टमेंट जब ट्रेनिंग में डिले कर रहा है, इधर से उधर प्रमोशन ट्रांसफ़र करने में डिले कर रहा है, तो एक नया एग्ज़ाम गठित करने के लिए से डिपार्टमेंटली भी जो एग्ज़ाम था उसका भी एग्ज़ाम कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। डिपार्टमेंटली भी ये वैकेंसी आने वाली है CRPF SCM की, आपको मैं बता दूँ काफ़ी एक साल से इसकी मतलब अपडेट चल रही है कि CRPF SCM यानी डिपार्टमेंटली भी ये वैकेंसी आने वाली है, और अभी बाहर की और डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम SCM के एक साथ ये वैकेंसी होगी, आपको मैं बता दूं। लेकिन हाँ, 1-1.5 महीना डिले हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं होगी दोस्तों। अभी प्रेजेंट टाइम में जो डिले हो रही है वो डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट रिस्क नहीं लेना चाहता कि अभी वो एक वैकेंसी या एग्ज़ाम पुटअप कराए, यही रीज़न है, बाकी इस वैकेंसी में कोई रीज़न नहीं है। वैकेंसी खाली पोस्टों की वैकेंसी डिपार्टमेंट को करानी है, लेकिन कोविड के हर रोज़ नए इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट में हर रोज़ बंदी से लग रही है, इसी कारण ये वैकेंसी डिले हो रही है। अगर ज़्यादा दिन डिले होगी तो बिल्कुल आपको एज में छूट दी जाएगी दोस्तों, उसके लिए भी आपको चिंतित नहीं होना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अभी और ज़्यादा डिले नहीं होगी, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, जैसे देश में टीकाकरण भी चल रहा है, और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि डिपार्टमेंटली ये वैकेंसी भी एक साल से पेंडिंग हो रखी है। तो डिपार्टमेंट की और आपकी वैकेंसी साथ में होगी CRPP SCM की, यानी आपको अप्रैल लास्ट तक या मई में इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी दोस्तों। बस आप तैयारी में जान डाल दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।